Hi viewers, this is Sajjad Abdullah and you are watching my tutorial series MS Excel Functions and Formulas with Projects and Assignments. इस वीडियो में हम एक अपनी और स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज हमें डिस्प्ले हो. सब्जेक्ट वाइज मतलब ये हमारे पास स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स हैं, इसका हम टोटल करें और जितने हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं इन स्टूडेंट्स के, मतलब हमारे पास 8 स्टूडेंट इस वक्त अपीयर्ड हैं यहाँ पे और एक सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हैं, तो हमारी जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 800. मतलब 8 स्टूडेंट अपीयर्ड हैं और एक के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स वो 100 थे, तो टोटल मैक्स जो बनेंगे वो 800 बन जाएंगे. फिर हम ये देखेंगे कि हर स्टूडेंट का करेंगे, मतलब उनके ऑब्टेन मार्क्स हैं उसको टोटल करेंगे, फिर उसके हिसाब से हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे आप नेस्टेड फंक्शंस का इस्तेमाल भी देखेंगे. अभी मैं आपको बताऊँगा नेस्टेड फंक्शन कैसे लगाया जाता है, लेकिन पहले हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर एक नया कॉलम बनाते हैं टोटल मैक्स, मतलब एक 8 स्टूडेंट है तो उनके मैक्सिमम मार्क्स कितने बनते हैं. तो ये हम बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. हम यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद इस सेल को मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स अपीयर के साथ, तो ये हमारे पास टोटल मैक्स आ गए. अब हमने निकाल लें टोटल ऑब्टेंड, मतलब स्टूडेंट्स ने कितने, 800 में से स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए. उसके लिए हम सिंपली सम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बावजूद इसके के दरमियान में एबसेंट वाले हैं तो, लेकिन सम फंक्शन की क्वालिटी ये है कि वो एबसेंट वाला जो डाटा है उसको सिंपली इग्नोर कर देगा. तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर है वो 532 आंसर आया है, मतलब सारे स्टूडेंट्स ने मिला के जो है वो 532 मार्क्स लिए. तो अब हम यहाँ पर इसके नीचे परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे आप सिंपली ये वाला सेल डिवाइड बाय टोटल मैक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई. मतलब इस इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स ने ओवरऑल जो परसेंटेज है सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखें तो ये 66.5 परसेंटेज है इसकी. मतलब ये इसको हम टीचर का रिजल्ट भी कह सकते हैं कि टीचर का रिजल्ट क्या रहा है. लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, मतलब ये तो उसकी परसेंटेज है ना, मतलब स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स. हम इसमें एक और स्टैटिस्टिक्स भी फाइंड कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, मतलब जो अपीयर हुए हैं उसमें से कितने पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं. एक्चुअली वही रिजल्ट स्टूडेंट टीचर से काउंट होता है. तो फिलहाल हम जो टीचर का जो रिज़ल्ट है वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल हम सिर्फ इनकी परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे. तो आप यहाँ पे फिलहाल हमने जो परसेंटेज कैलकुलेट की है उसको हमने 3 सेल्स के अंदर जाकर कैलकुलेट किया, लेकिन यही काम हम एक सेल में भी कर सकते हैं. और एक्चुअली हम वो करना वही चाहते हैं कि आपको नेस्टेड फंक्शंस का भी आइडिया हो जाए कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस और एक फंक्शन के अंदर मज़ीद और फंक्शन लगाए जा सकते हैं. तो वो कैसे करेंगे हम, तो हम आते हैं ये परसेंटेज वाले सेल पर. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो C23 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ऑब्टेन मार्क्स को, और ये जो सेल C22 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मैक्सिमम मार्क्स को. तो हम ये C23 की जगह पे हम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर हम जो हमने ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन लगाया था वही फंक्शन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले इसको यूज़ किया था. यहाँ पर हम रेंज इसकी स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है. तो अब आप देख सकते हैं कि इसको हम एंटर करते हैं तो हमारे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. मतलब हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट ऑब्टेन मार्क्स का एड्रेस देने के बजाय हमने डायरेक्ट इसका सम कैलकुलेट कर लिया. और इसी तरीके से जो टोटल मैक्स है इसको भी हम अलहदा से कैलकुलेट कर सकते हैं बजाय सेल एड्रेस का रेफरेंस देने के, हम उसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं.
हमने इसमें किया क्या था, हमने सिंपली ये जो मैक्सिमम मार्क्स पर स्टूडेंट है उसको मल्टीप्लाई किया था हमने स्टूडेंट्स अपीयर के साथ। तो अब आप इसको इंटर करें तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक ही, ये बेसिकली पूरा एक फार्मूला बन गया है जिसके अंदर हमने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया है, फिर हमने एक और फार्मूला, एक और कैलकुलेशन यूज़ की है। अब हमें ये, अगर तो हमें ये चाहिए टोटल मैक्स और टोटल ऑब्टेन वाली रो अगर हमें चाहिए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी हम इसको डिलीट कर देते हैं और डायरेक्ट हम इसको परसेंटेज वाला सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने ये कैलकुलेट किया है, इस फार्मूले को हम आगे इन सेल्स के अंदर भी हम कॉपी कर सकते हैं। अभी क्योंकि दरमियान में हमारे पास वो सेल अटेंडेंस के हैं तो मैं इसको फ़िलहाल ड्रैग नहीं करना चाह रहा, अदरवाइज इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ से तीनों सेल्स को सिलेक्ट करें, इन तीनों के फार्मूलाज इकट्ठे ड्रैग हो जाएंगे। तो ये जो अटेंडेंस वाले हैं इसको आप दरमियान से डिलीट कर दें, ये हमने डिलीट कर दिया। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो रिज़ल्ट्स आ गए हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग रिज़ल्ट आ गया। इंग्लिश का हमारे पास रिज़ल्ट आया 66.5, उर्दू का अगर आप इस फार्मूले पर डबल क्लिक करें तो आपको इसका सेल का भी आइडिया हो जाएगा। उर्दू का है जी 60.2, फिज़िक्स का 60% है, केमिस्ट्री का बहुत कम है 46%, बायो का जी 72%, और पाकिस्तान स्टडीज़ का 99% है। उसकी क्या रीज़न है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे, वो ये कि इसके मैक्सिमम मार्क्स थे 75, लेकिन हमने जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो जो हमने फार्मूला लगाया था उसमें हमने रेंज इसकी ज़्यादा दे दी थी। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, इसके मार्क्स आप एडजस्ट कर दें, जो आप 75 से ऊपर हैं उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसको हम 39 कर देते हैं, इसको 29 कर देते हैं, इसको हम 15 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साथ साथ हर फार्मूला अपडेट भी हो रहा है। इनको आप देख सकते हैं इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये मैं आपको लास्ट किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि हम सेट भी कर सकते हैं, यहाँ से हमारे सामने ये ऑप्शन है डिक्रीज़ डेसिमल का, ये सारे उसने डिक्रीज़ कर दिए, आप इसको ऐसा करें इंक्रीज़ कर लें 2 decimal places तक, आप इसको इंक्रीज़ कर लें। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे देखनी थी वो ये कि हम जो अटेंडेंस है स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, मतलब अली की अटेंडेंस इंग्लिश में है 85 में से 53, और अहमद की अटेंडेंस है 75, उमर की अटेंडेंस है 67। तो ये जो अटेंडेंस है ये भी हमने इसके भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो ये आप बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप यही फार्मूला इधर पेस्ट कर दें, लेकिन इसमें आप एक प्रॉब्लम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक एरर आ रहा है डिवीजन बाय ज़ीरो। तो ये डिवीजन बाय ज़ीरो क्या चीज़ है, डिवीजन बाय ज़ीरो का एरर तब आता है जब हम किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें, और आप जानते हैं अगर किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर इनफाइनिट होता है। तो ये बेसिकली एक एरर है, इसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि एरर आया क्यों है। इस पर आप डबल क्लिक करें, आप देख सकते हैं कि एक चीज़ तो ठीक है, मतलब ये जो सम कैलकुलेट हो रहा है ये तो ठीक है, मतलब इस रेंज के अंदर से कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन ये जो चीज़ है जो डिवाइड हो रही है इसमें एक D7 है, ये वाला सेल इसमें हमारी मैक्सिमम लेक्चर्स हैं, लेकिन जो D19 है ये वाला सेल इसमें हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें चाहिए क्या था यहाँ पे, कि भाई हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अब यहाँ पे तो वो एब्सेंट मार्क हो गया है स्टूडेंट, लेकिन उसकी अटेंडेंस तो है ना यहाँ पे 76, तो हम यहाँ पे एक्चुअली उसको स्टूडेंट्स अपीयर्ड से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, बल्कि टोटल स्टूडेंट्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अटेंडेंस तो सबकी है ना, तो हम यहाँ पे उसको 8 से तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, बल्कि 10 के 10 जितने भी स्टूडेंट हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे D19 की जगह पे हम ये टोटल स्टूडेंट्स वाला हम यहाँ पे उसको एड्रेस देते हैं, तो हमारे पास उसकी जो
जो एक सब्जेक्ट की टोटल अटेंडेंस की परसेंटेज हमारे पास आ गई है। यहाँ पे मैक्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैक्स हम उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे किस तरह से कि हम एक स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम लेक्चर्स जितने थे 85 थे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। लेकिन 10 हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका भी फार्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे जो मैक्सिमम लेक्चर हैं वो मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम स्टूडेंट कितने हैं। तो यहाँ पे अगेन हम काउंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा काउंट का फंक्शन, ये हमें बता देगा कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। इसको काउंट कर लेगा यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा, मतलब हमें उसको स्टैटिकली मेंशन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये खुद ही काउंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स के लिए जो मैक्सिमम अटेंडेंस बनती है वो 850 है। अब इनमें से स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कितनी रही है, इसको हम सिंपली सम कर दें तो स्टूडेंट्स की टोटल अटेंडेंस हमारे सामने आ जाएगी 677। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे हम फार्मूला भी यहीं पे सिंपली इसको डिवाइड करें मैक्स से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास ये परसेंटेज निकल आई सब्जेक्ट वाइज के। इंग्लिश के अंदर हमारे पास टोटल परसेंटेज क्या है अटेंडेंस की, 79.65। तो दोबारा देखते हैं कि दफ़ा टोटल मैक्स में हमने क्या किया, हमने D7 यानी कि मैक्सिमम लेक्चर्स को मल्टीप्लाई कर दिया इस फंक्शन के साथ कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, काउंट कर लो इसको, कितने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ये दी हुई है। वो 10 थे, तो 85 मल्टीप्लाई हो गया 10 से, तो हमारे पास 850 आंसर आ गया। फिर ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये हमने जो स्टूडेंट्स की जो अटेंडेड लेक्चर्स हैं अटेंडेंस है वो हमने टोटल कर ली। यहाँ पे आके हमने सिंपली जो स्टूडेंट के अटेंडेंट लेक्चर्स हैं डिवाइड किए टोटल मैक्स से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इस तरीके से हमारे पास ये अटेंडेंस की परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज निकल आई। इसी चीज़ को हम यहाँ पे आगे भी पेस्ट कर सकते हैं, तो सिंपली सब सब्जेक्ट की अटेंडेंस परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे हम उसको ड्रैग नहीं कर सकते बिकॉज राइट साइड पे हम डाटा और भी है हमारे पास। तो इसका एक और हल है कि आप इसको यहाँ तीनों सेल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, कॉपी, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते जाएं। कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कर दें या यहाँ से आप पेस्ट करते जाएं। मैं कीबोर्ड से पेस्ट करता जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हर सब्जेक्ट की हमारे पास अटेंडेंस कैलकुलेट हो गई है, और बाकी सब की तो तकरीबन ठीक अटेंडेंस कैलकुलेट हुई है। आप देख सकते हैं बायो की 81% है तकरीबन, केमिस्ट्री की है 84%, फिज़िक्स की है 80%, उर्दू की है 80% तकरीबन, लेकिन जो पाकिस्तान स्टडीज़ की है 140% आ गई है। तो मतलब मैक्सिमम लेक्चर हमारे पास 500 थे, तो स्टूडेंट्स ने 702। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक अगेन यहाँ पर भी हुई है हमसे, तो उसको भी हम ठीक कर लेते हैं। इसकी वैल्यूज़ हम एडजस्ट कर लेते हैं, जितनी भी मतलब हमारे पास रेंज है उसके मुताबिक। तो ये हमारे पास, अब आप देखें हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट परसेंटेज कैलकुलेट हो गई है। इसके हम बॉर्डर्स लगा लेते हैं, ये हमने बॉर्डर लगा लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गई हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इसके सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट भी प्रिपेयर करेंगे। That is the end of this tutorial. If you learned something new by watching this tutorial, please like and share it. If you want to get notified about new tutorials of this series, please subscribe to our channel. If you have any question, please write it in the comment section. Thank you.